नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लूइड से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेके आया आपके लिए अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द फ्लूइड मशीनरी। दिस इज द ड्राफ्ट ट्यूब थ्योरी, यानी कि आज हम देखने वाले हैं क्या गवर्निंग इक्वेशन होगी हमारी ड्राफ्ट ट्यूब में। ठीक है, जैसा कि हम बोल रहे थे बुकों में दिया हुआ है कि नेगेटिव हेड प्रोड्यूस होता है। ड्राफ्ट ट्यूब का यूज करने से हमें क्या फायदे हैं, हम ज्यादा हेड निकाल सकते हैं टरबाइन के थ्रू, यानी कि हमारी टरबाइन ज्यादा पावर डेवलप करेगी। बट कैसे, बट स्टार्ट करने से अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज, ये आपसे बहुत बड़ी ऐसी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोज आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट, दिस इज द ड्राफ्ट ट्यूब थ्योरी। ओके, देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ सिंपली। ठीक है, अब आपको मालूम है ड्राफ्ट ट्यूब कहाँ लगती है, ये लगती है फ्रांसिस टर्बाइन, यानी कि रेडियल, यानी कि जो भी आपकी एक्सियल फ्लो टर्बाइन है, रेडियल फ्लो टर्बाइन है। ठीक है, इनवर्ड रेडियल फ्लो, आउटवर्ड रेडियल फ्लो, तो वहां पे ये टर्बाइन लगती है। देखिए ये टर्बाइन का ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, जिसके अंदर टर्बाइन है, मगर इसके नीचे एक ट्यूब लगी हुई है जिसका जो डायमीटर है स्टार्टिंग में इनलेट पे तो कम है। ठीक है, देखिए इतना बड़ा तो मैंने ड्राफ्ट ट्यूब बना दिया है, मगर सिंपली अगर हम देखेंगे तो कुछ छोटे में ऐसा दिखेगा। यहां से फ्लूइड एंटर होता है, ये है हमारी टर्बाइन जैसे कि आप देख रहे हैं, और नीचे लगी है हमारी ड्राफ्ट ट्यूब। तो ये वाला हिस्सा मैंने यहां पे दिखाया है, और इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द टर्बाइन केसिंग, जिसके अंदर हमारी टर्बाइन है और उसको कवर किए हुए हमारी टर्बाइन केसिंग है। ठीक है, दिस इज द टर्बाइन केसिंग। ओके, ठीक है, तो फिलहाल यहां से हमारा फ्लूइड एंटर करता है और यहां से निकल जाता है। ठीक है, ये फ्लूइड, ठीक, ओके। अब आप याद रखिएगा कि ये तो हो गई हमारी टर्बाइन, एक टर्बाइन क्या मतलब, ये हमारी हो गई, ये तो टर्बाइन है और ये है हमारी ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब एक पाइपलाइन होती है, जैसे कि मेरे पिछले वीडियोज में आपने देखा होगा, मैंने ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में बताया है कितने टाइप्स के ड्राफ्ट ट्यूब होते हैं, चार टाइप के थे, जिसमें से कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब काफी यूटिलाइज की जाती है, एफिशिएंट होती है। ठीक है, तो ये ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है, एक टाइप का पाइप का टुकड़ा होता है जिसमें ऊपर का डाया काफी कम होता है और नीचे का डाया काफी ज्यादा होता है, और याद रखिएगा ये डूबी हुई होती है आपके फ्लूइड में। ठीक है, ये डूबी हुई है, तो यहां पर मैं डॉट डॉट करके यहां पर फ्लूइड मेंशन कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। याद रखिएगा ड्राफ्ट ट्यूब का बहुत तीन यूजेस मेन है। ठीक है, तो आपकी ये ड्राफ्ट ट्यूब डूबी हुई है, ठीक है, और आपकी टर्बाइन के आउटलेट पे ये ड्राफ्ट ट्यूब लगती है। ठीक है, ओके, तो यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स है, इस पॉइंट को मैं मतलब यहां पर एक सेक्शन ले लेता हूं, ये लूंगा मैं सेक्शन वन। ठीक है, अब सेक्शन टू लगा रहा हूं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही, और जहां से फ्लूइड जस्ट आउट हो जाता है आपके कहां पर, एक तो देखिए ड्राफ्ट ट्यूब यहां से लेकर यहां तक है, और ये जो है ये पानी का लेवल है। ठीक है, ये जो है ये पानी का लेवल है। ओके, तो यहां पर मैं सेक्शन टू ले लेता हूं, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, यानी कि सेक्शन वन मैंने इसको लिया है जहां से टर्बाइन का आउटलेट है और आपकी ड्राफ्ट ट्यूब का इनलेट है, और जहां पर फ्लूइड बाहर निकल जाता है टर्बाइन से वहां पे मैंने सेक्शन टू ले लिया है। ठीक है, अब इतनी हाइट में क्या लूंगा, दिस इज योर कैपिटल एच एस, वही लूंगा जो मैंने लिया हुआ है, दिस इज मैं लूंगा, बुकों में भी यही दिया हुआ है, तो इसलिए मैं कुछ और नहीं लेने वाला हूं, और ये जो है ये पानी की हाइट है। ठीक है, जिसके अंदर वो डूबा हुआ है। ओके, वाइट, और ये जो रिजर्वायर है, जिस रिजर्वायर में ये डूबी हुई है ड्राफ्ट ट्यूब, उसको बोलते हैं टेल रेस। क्या बोलेंगे, टेल रेस। ठीक है, ओके, अब क्या यूज है इसके, अब आपको मैं बता ही चुका हूं, क्योंकि देखिए सबसे पहला मेन काम जो क्या करता है, फ्लूइड जब आपके टर्बाइन से बाहर निकलता है तो एक पाइपलाइन होती है जिसके जरिए वो फाइनली पास होता है और डायरेक्ट डिस्चार्ज हो जाता है आपके रिजर्वायर में। तो ये सबसे पहला केस है। दूसरी बात, इसको यूज करने का मकसद क्या है, क्या मेन एम है, कि जैसे ही फ्लूइड आपकी टर्बाइन से बाहर निकलता है तो यहां पर इस पॉइंट पे बुकों में दिया हुआ है कि वो नेगेटिव हेड प्रोड्यूस करती है। क्या, नेगेटिव हेड लिखता हूं यहां पे, नेट हेड लिखा हुआ है, नेगेटिव हेड प्रोड्यूस करती है। इसका क्या मतलब होता है, नेगेटिव हेड कहने का मतलब है, देखिए बहुत सिंपल शब्दों में हमें समझेंगे, नेगेटिव हेड प्रोड्यूस करती है। अगर सपोज नहीं लगाया होता, अगर ये ट्यूब नहीं लगी होती तो डायरेक्टली आपका फ्लूइड टर्बाइन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सब्जेक्ट हो जाता है, यानी कि सपोज मैंने नहीं लगाया तो इसका मतलब क्या है, फ्लूइड डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, मगर ये ड्राफ्ट ट्यूब लगने की वजह से यहीं पर क्या हो गया, नेगेटिव हेड प्रोड्यूस हो गया। इसका फायदा क्या है कि आप इस टर्बाइन से मैक्सिमम पावर निकाल सकते हो या मैक्सिमम हेड निकाल सकते हो। और तीसरी चीज इसका और क्या फायदा है, देखिए अगर हमने नहीं लगाया होता तो डेफिनेटली यहां पर जो भी फ्लूइड आ रहा होता वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो सब्जेक्टेड होता ही, मगर उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती, वो भी वेस्ट हो जाती कहां पर, आपके रिजर्वायर में। अभी सपोज अगर नहीं होता तो यहां पर जो फ्लूइड आ रहा होता वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही आ रहा होता, नो डाउट, बट
यहां पर जो फ्लूइड आ रहा है उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, वो डायरेक्टली वेस्ट हो जाती है आपके रिजर्वायर में, ठीक है। बट हम यहां पे क्या कर रहे हैं, एक ऐसी पाइपलाइन लगा रहे हैं जिसका स्टार्टिंग का डाया कम है और लास्ट का जो डाया है वो ज्यादा है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो बर्नौलीज़ प्रिंसिपल भी लगाते हो, अगर डाया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, प्रेशर कम होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे हम डाया इंक्रीज करते जा रहे हैं तो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है, वेस्ट नहीं हो रही, कहने का मतलब हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, प्रेशर एनर्जी में। तो यहां पर पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी लगभग खत्म हो जाती है और सारी की सारी कन्वर्ट होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो ये था हमारा इसका यूज, जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट वे में बताया। अब हम ड्राफ्ट ट्यूब की थ्योरी देखेंगे, यानी कि इक्वेशन, क्या गवर्निंग इक्वेशन, ठीक है, जिससे हम ये साफ साफ बता पाएंगे कि इस सेक्शन वन पे नेगेटिव हेड होता है। देखिए कैसे, अब मैं क्या करूंगा, अप्लाइंग, तो मैं ये सारी चीजें बता चुका हूं, अप्लाइंग बर्नौलीज़ इक्वेशन बिटवीन सेक्शन, देखिएगा ध्यान से, वन एंड टू, तो लगाने के बाद हम क्या बोलेंगे, दिस इज पी वन बाय रो जी, जैसे कि मैं बता चुका हूं, जेड वन प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू जी, ये है हमारा सेक्शन वन, टर्बाइन का आउटलेट यानी कि आपकी ड्राफ्ट ट्यूब का इनलेट, और ड्राफ्ट ट्यूब का आउटलेट कहां है, पानी के अंदर है, ठीक है। अब देखिए ये ड्राफ्ट ट्यूब को भी पानी में रखने का एक मकसद होता है जो मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक है। और यहां पे नेगेटिव हेड कैसे आता है वो भी हम देख लेंगे अभी, इक्वल टू दिस इज पी टू बाय रो जी प्लस योर जेड टू प्लस वी टू स्क्वायर बाय टू जी प्लस, देखिए फ्लूइड आपका ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है और ये एक पाइपलाइन के थ्रू ट्रेवल कर रहा है और इस दौरान आपकी पाइपलाइन का डाया लगातार चेंज हो रहा है। तो आपको मालूम है जब फ्लूइड कोई भी पाइपलाइन से गुजरता है तो एक लॉस होता है, दैट इज मेजर लॉस, उसको बोलते हैं हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इस दौरान जब फ्लूइड ट्रैवल करता है यहां से लेकर सेक्शन टू तक, तो उस दौरान कुछ लॉस होता है, वो लॉस हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है जब भी हम बर्नौलीज़ इक्वेशन लिखते हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूं मेरे पिछले लेक्चर्स में भी, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए अब P1 बाय रो जी, देखिएगा ये जो P1 है ये प्रेशर है, बट P1 बाय रो जी क्या है, ये प्रेशर हेड है, तो ये प्रेशर हेड है सेक्शन वन पे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। अब हमें यही प्रूव करना है कि भाई ये P1 बाय रो जी है, ये नेगेटिव हेड है, वो देखेंगे हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। Z1, अब मान लेते हैं कि ये जो सेक्शन टू है इसको एज अ डेटम लाइन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, रेफरेंस लाइन बोल सकते हैं, डेटम लाइन और रेफरेंस लाइन, यानी कि जीरो लेवल लाइन है, ठीक है, तो रेफरेंस लाइन, ठीक है, ओके। तो आपका ये जो सेक्शन वन है, अगर हमने इसको डेटम लाइन मान लिया है या फिर रेफरेंस लाइन, तो ये हो जाती है हमारी जीरो लाइन, ठीक है, यानी कि जमीन ऐसा बोल सकते हैं, रेफरेंस लाइन, ठीक है। यहां से ये सेक्शन वन कितनी दूरी पर है, अभी जेड वन पूछा है, जेड वन क्या होता है, ये डेटम हेड होता है, रेफरेंस लाइन से लेकर वो सेक्शन वन कितनी दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर है, दिस इज वाई प्लस एच एस, याद रखिएगा ये मैंने क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिख देता हूं, अंदर साइड लिखता हूं, ये क्या है, ये हाइट क्या है, एच एस, तो ये हो जाएगा हमारा, दिस इज एच एस प्लस वाई, क्लियर हो गया, ओके। प्लस यहां पे कोई वेलोसिटी तो होगी डेफिनेटली, वी वन स्क्वायर बाय टू जी इक्वल टू पी टू बाय रो जी। देखिए याद रखिएगा, अगर सपोज हमने इस ड्राफ्ट ट्यूब को पानी में नहीं डुबोया होता तो यहां पे प्रेशर क्या होता, फ्लूइड जो भी फ्लूइड आपका इस पाइपलाइन से, इस टैपर पाइपलाइन से निकल रहा होता, यानी कि एक ऐसी पाइपलाइन जिसका एरिया लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है, विद वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर हमने इसे पानी में नहीं डुबोया होता तो ये आपका जो फ्लूइड बाहर निकलता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सब्जेक्ट हो जाता, ठीक है। तो यहां पर मैं पी टू बाय रो जी की जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लिखूंगा ही लिखूंगा, दिस इज पी ए, पी ए मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड लिखा है, ठीक है, ओके। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मगर क्योंकि हमने इस ट्यूब को यानी कि पाइपलाइन को, ड्राफ्ट ट्यूब को पानी में डुबो के रखा है, तो इस सेक्शन टू पे हमें एक एक्स्ट्रा हेड भी मिलता है, कौन सा, ये पानी की वजह से, क्योंकि हमने सेक्शन टू कहां रखा हुआ है, पानी के अंदर रखा है, और वो भी कहां पर, इस पाइपलाइन के आउटलेट पे, तो इस पर्टिकुलर हाइट पे हमें एक हेड मिलेगा यानी कि प्रेशर मिलेगा। फिलहाल मैं प्रेशर की बात नहीं करूंगा, मैं हेड की ही बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारी सारी कैलकुलेशन प्रेशर के टर्म्स में नहीं हो रही, हेड के टर्म्स में हो रही, वो भी पानी के हेड के टर्म्स में। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, सेक्शन टू पे, पानी का हेड भी हमें एक्स्ट्रा मिलता है। देखिए जो फ्लूइड आ रहा है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, प्लस आपका जो हेड है पानी का वो भी मिलेगा, क्योंकि हमारा ये जो ट्यूब है ये डूबा हुआ है ना भाई, तो ये डेफिनेटली हमें ये हाइट पानी की मिलेगी हेड के तौर पे, और वो एक्स्ट्रा हेड होगा जो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो भी फ्लूइड आपका निकल रहा होगा उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखूंगा, देयरफॉर दिस इज वाई, क्लियर हो गया, सिंपल। अब Z2 क्या है, Z2 तो भाई सेक्शन 2 की
रेफरेंस लाइन से कितनी दूरी पर है भाई। अब सेक्शन टू को ही हमने डेटम लाइन या रेफरेंस लाइन ले लिया और रेफरेंस लाइन क्या है, जीरो है, तो ये जेड टू तो जीरो हो गया, ठीक है। प्लस अब वी टू स्क्वायर, यहां पे कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, तो मैं काम करता हूं यहां पे लिखा हूं वी टू स्क्वायर बाय टू जी प्लस इस पाइपलाइन के थ्रू कुछ लॉसेस तो होंगे, जैसे फ्लूइड जब गुजरेगा तो एच एफ लिखा है, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर अगर मैं ब्रैकेट खोल देता हूं, वापस लिखता हूं पी वन बाय रो जी प्लस एच एस प्लस वाई प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू जी इक्वल टू पी ए बाय रो जी प्लस वाई प्लस जीरो, तो कोई मीनिंग नहीं है। दिस इज व्हाट वाज दैट, वी टू स्क्वायर था, यहां पर लिखा नहीं था, दिस इज वी टू स्क्वायर बाय टू जी प्लस एच एफ। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे ये वाई वाई कैंसिल हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है हमारा कि यहां पर कितना प्रेशर है। तो चलिए देख लेते हैं, यहां पे हमने सब सही लिखा है, ठीक है, वी वन स्क्वायर पी ए बाय रो जी वी टू स्क्वायर बाय टू जी प्लस एच एफ, तो इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप वीडियो को पीछे रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दिस इज पी वन बाय रो जी, और हमें क्या चाहिए, जैसे ही फ्लूइड आपका इस टर्बाइन के इनलेट पे घुसा था यानी कि एंटर किया था, तो वहां पे क्या प्रेशर है, और बुकें बोल रही हैं कि वो नेगेटिव हेड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं P1, यानी कि P1 बाय रोजी की वैल्यू निकालनी, यानी कि सेक्शन 1 पे कितना हेड है वही निकालना है ना भाई। तो P1 बाय रोजी इक्वल टू, तो वही चाहिए, तो बाकी हमको समय उधर भेज दूंगा, दिस इज PA बाय रोजी, ओके। देन यहां पर क्या है, प्लस वी टू स्क्वायर बाय टू जी, जो जो होता जा रहा है मैं उसे टिक करते जा रहा हूं, ओके। देन प्लस एच एफ, ओके, ये भी आ गया हमारा हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, अब इसको भेज देता हूं, माइनस वी वन स्क्वायर बाय टू जी, ओके। देन योर एच एस, ये भी भेज दिया, अब एच एस को भी भेज देता हूं, माइनस एच एस। फाइनली ये हमारा हो गया, फिलहाल मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है, ओके। इट्स क्वाइट हॉट एंड ह्यूमिड हियर, ओके। सो देयरफॉर पी वन बाय रो जी इक्वल टू दिस पी ए बाय रो जी। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, माइनस साइन सब में से, इन सब में से कॉमन निकाल लेता हूं, तो देयरफॉर दिस इज वी टू स्क्वायर बाय टू जी, ओके, नॉट वी टू स्क्वायर बाय टू जी, इट विल बी वी वन स्क्वायर, पहले मैं वी वन स्क्वायर लिखता हूं, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस आ गया, तो ठीक है ये ओके है। देन योर व्हाट, माइनस वी टू स्क्वायर बाय, एक बार हम क्रॉस चेक भी कर लेंगे, वी टू स्क्वायर बाय टू जी माइनस योर एच एफ माइनस एच एस, ठीक है, ओके। अब देखिए देखिए माइनस प्लस माइनस, तो वी वन स्क्वायर में माइनस होना चाहिए, यहां पे है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये देखिए यहां पर पॉजिटिव है, वी टू स्क्वायर बाय टू जी माइनस नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो एच एफ पॉजिटिव में होना चाहिए, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो यहां पर व्हाट, वेट अ मिनट, दिस इज यस एवरीथिंग इज करेक्ट, वेट, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, मगर यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, तो वेट अ मिनट, दिस इज प्लस, तो यहाँ पर प्लस आना चाहिए, माइनस प्लस माइनस, या एवरीथिंग इज फाइन, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, आई थिंक या दिस इज करेक्ट, ओके। तो अब देखिए, अब मैं ये बोल रहा था, देखिए अब ये जो P1 बाय रो जी है, हाँ अभी ठीक है, क्योंकि वहां से HS आया था माइनस में, तो ये अगर हम नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो नेगेटिव माइनस प्लस माइनस, तो अब ठीक है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि देखिए ध्यान से देखिए ये चीज, देखिए अभी जो P1 बाय रो जी है, मैं इससे साफ साफ लिख सकता हूं कि जो P1 बाय रो जी है वो आपका लेस है PA बाय रो जी से, ठीक है। अब वो कैसे देखिए, अगर मैं देखिए P1 बाय रो जी की वैल्यू निकालना चाहता हूं, ठीक है, तो सपोज P1 बाय रो जी, ठीक है, ओके, अब मैं पीए बाय रोजी, देखिए ये जो पीए बाय रोजी है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड है, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड क्या होता है, 10.33 मीटर ऑफ वाटर, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 10.33 मीटर, ठीक है, माइनस। अब देखिए अगर इसकी वैल्यू मुझे मालूम होती, सपोज मान लेते हैं इन सबकी वैल्यू 2 है, तो कितना आएगा हमारा, कुछ आएगा 7. सपोज ये 10.33 मीटर ऑफ वाटर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड में राउंड ऑफ करके 10 ही कर देता हूं, तो ये कितना आएगा 8 मीटर। तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम पीए बाय रोजी की वैल्यू 10 अज्यूम करते हैं तो पी वन बाय रोजी क्या आएगा, 8 मीटर ही आएगा। तो कहने का मतलब है यहां पर प्रेशर कम रहेगा एज कंपेयर टू दिस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अब इसको बहुत इजिली समझा जा सकता है, तो ये तो हो गया हमारा डेरिवेशन, ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए किया था। अब एक चीज मैं जरूर इसमें बताना चाहूंगा, क्या
बुकों में कहा गया है कि नेगेटिव हेड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब उसके फायदे क्या है कि देखिए सिंपल वे में बताता हूं, आपको मालूम है ये टर्बाइन कहां पे, पाइपलाइन में लगती है, ठीक है, ये हो गया हमारी टर्बाइन। ओके, मान लीजिए कि अगर हमने ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगाया होता तो क्या होता, सपोज इनिशियली आपका जो एंटर कर रहा था हेड, ठीक है, टर्बाइन में, वो था 20 मीटर, कितना 20 मीटर। अब जैसे ही फ्लूइड यहां से निकला तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सब्जेक्ट हो गया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हेड कितना होता है, वो भी पानी के टर्म्स में, वैसे तो 10.33 मीटर ऑफ वाटर होता है, मगर ये 0.33 का हमें थोड़ा गड़बड़ नहीं लेना है, मतलब मैं राउंड ऑफ करके 10 मीटर ले लेता हूं। तो इस दौरान देखिए एंट्रिंग हेड जो था 20 मीटर, ठीक है, अब आउटलेट पे जो फ्लूइड निकल रहा है वो कितने हेड के साथ निकल रहा है, एटमॉस्फेरिक हेड पे निकल रहा है, वैसे तो 10.33 मीटर ऑफ वाटर होता है, मगर राउंड ऑफ करके फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं 10 मीटर ऑफ वाटर ले लेता हूं। तो इस दौरान टर्बाइन ने कितना हेड बाहर निकाल लिया है आपके, कितनी हाइड्रोलिक एनर्जी मींस निकाल लिए बाहर, कितना हेड निकाल लिया, तो 20 - 10 इज योर 10 मीटर, क्लियर हो गया। ये तब था जब हमने ड्राफ्ट ट्यूब यूज नहीं की थी, मगर अगर ड्राफ्ट ट्यूब लगा देते तो अब क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखिए जो पहले विदाउट ड्राफ्ट ट्यूब 10 मीटर यहां पे आपका क्या होता हेड दे रहा था, ठीक है, आउटलेट पे, अब यही चीज आप 6 मीटर तक लेके आ सकते हो, ठीक है। अब इस दौरान में हेड कितना आ रहा है, मतलब यहां पर जो हेड है टर्बाइन के आउटलेट पे, ठीक है, वो कितना है 6 मीटर, तो इस दौरान जो हेड आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो 20 - 6 इज योर 14 मीटर। तो आप बताइए कि 10 मीटर ज्यादा है या 14 मीटर ज्यादा है, ठीक है। तो अब 14 मीटर कहने का मतलब है कि टर्बाइन ज्यादा पावर डेवलप करेगी, ज्यादा आपका हेड एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है फ्लूइड में से, ठीक है। अब देखिए अब एक्चुअली ये बुकों में दिया हुआ है यह है नेगेटिव हेड, मगर यहां पर जो मैंने वैल्यू ली है, ठीक है, वो एब्सोल्यूट प्रेशर स्केल के हिसाब से लिया है, यानी कि एब्सोल्यूट हेड लिया है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। देखिए एक स्केल होती है, एक प्रेशर आप मेजर करते हैं एब्सोल्यूट स्केल के हिसाब से भी, और एक होता है आपका आई थिंक आपने सुना होगा ये, जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस लाइन ले लेते हैं उस दौरान अगर हम प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर मेजर करते हैं तो पॉजिटिव गॉज प्रेशर होता है, और नीचे लेके जाते हैं तो नेगेटिव गॉज प्रेशर या नेगेटिव हेड होता है, ठीक है। इसी 6 मीटर को, अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्केल ले रहे हैं, ठीक है। वही चीज देखिए, ये है हमारी एब्सोल्यूट स्केल, ये है क्या एब्सोल्यूट स्केल, यहाँ पे 0 होता है, तो अगर हम एब्सोल्यूट स्केल को रेफरेंस लाइन लेते हैं, ठीक है, तो देखिए दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 मीटर ये वाला है जिसकी बात मैं कर रहा हूं, मगर यही 6 मीटर को अगर मैं कौन सी लाइन से क्या बोलते हैं, अभी मिटा देता हूं थोड़ी देर समझाने के लिए, ठीक है, यहां पर कर दिया है इस क्या बोलते हैं ड्राफ्ट ट्यूब को मैंने इतना ही रखा है। हाँ, अब ये होता है देखिए 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, फाइनली 10 मीटर, ये कौन सी लाइन है, हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड की लाइन है, कौन सी, मगर इस दौरान मैंने क्या किया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर हेड को, देखिए अब मैं हेड की बात करूंगा पानी के टर्म्स में, वो भी एटमॉस्फेरिक, वैसे तो एटमॉस्फेरिक हेड क्या होता है पानी के टर्म्स में होता है 10.33 मीटर ऑफ वाटर, मगर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं इस वैल्यू को ले लेता हूं 10 मीटर, क्लियर हो गया ये, ठीक है, ये है 10 मीटर की लाइन हमारी। अब देखिए जब मैं एब्सोल्यूट स्केल के हिसाब से मेजर कर रहा था तब हेड कितना है 6 मीटर, मगर वही 6 मीटर का हेड जब मैं इस ये क्या बोलते हैं अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड की लाइन को समझ रहे, अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड की लाइन को रेफरेंस लाइन ले लेता हूं, यानी कि इसको मान लेता हूं 0, एक्चुअली में 0 नहीं होता, मगर जब मैं इस लाइन के हिसाब से प्रेशर मेजर करता हूं, ये कौन सी लाइन है हमारी, यह है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड की लाइन है, क्लियर हो गया। तो मैं इस 10.33 मीटर वाटर को कितना ले लेता हूं 0 ले लेता हूं, तो फिर मैं ऐसा जाऊंगा, देखिए जो 9 मीटर है एब्सोल्यूट स्केल के हिसाब से वो 9 मीटर बता रहा है, अब अगर मैं इस लाइन के नीचे जाता हूं तो वो होता है नेगेटिव हेड। तो कहने का मतलब मेरा कोशिश ये था बताने का कि जो 6 मीटर एब्सोल्यूट स्केल के हिसाब से अगर मैं नीचे से ऊपर जाता हूं, यानी कि रेफरेंस लाइन में क्या हो जाएगी एब्सोल्यूट स्केल वाली हो जाएगी, ठीक है, तो इस दौरान जब मैं ऊपर जाता हूं तो ये 6 मीटर ये कहलाता है, मगर अगर मैं इसको एज ए रेफरेंस लाइन लूं तो यही 6 मीटर क्या कहलाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 9 मीटर है, ये -1 मीटर होगा, ये 8 मीटर है सर -2 मीटर होगा, ये 7 मीटर है तो -3 मीटर होगा, और ये 6 मीटर है तो -4 मीटर। तो यही बुक्स में बताया जा रहा था कि यहां पर 6 मीटर हेड को जो एब्सोल्यूट जब हमने रेफरेंस लाइन ली हमारी एब्सोल्यूट स्केल को, ठीक है, तब ये 6 मीटर था, मगर अब जब हम इसके रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड के रेस्पेक्ट में तब उसको 0 ले लिया जाता है,
वही 6 मीटर कहलाता है नेगेटिव 4 मीटर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहां पर नेगेटिव 4 मीटर हेड प्रोड्यूस होगा। अब ड्राफ्ट ट्यूब के क्या यूज है, आई होप आपको बता दिए मैंने। 3 यूजेस थे, जैसे कि पासेज का काम करता है, नेगेटिव हेड भी प्रोवाइड करता है, और दूसरी बात आपका यहाँ पे जो वेलोसिटी हेड है वो कन्वर्ट हो जाता है आपके इसमें, किसमें, दैट इज प्रेशर हेड में। आई होप आपको ये समझा होगा और आप लाइक करेंगे, शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काफी लोगों को शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी ही एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूंगा, अगर आपके कोई भी कमेंट और सुझाव होंगे प्लीज कोई भी वीडियो से रिलेटेड कि सर हमें ये चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली वीडियोस लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।